विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के काठगर में स्थित अर्नी यूनिवर्सिटी की कमान अब देश की मोबाइल व टैब कंपनी पेंटा ग्रुप के हाथों में आ गई है, जिसके चलते आज प्रोफेसर शैलेंद्र नरेश कुलकर्णी ने यूनिवर्सिटी में प्रो चांसलर का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वे भारत के विभिन्न प्रदेशों में कई यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में APG यूनिवर्सिटी भी उनके चलन में है। इस यूनिवर्सिटी में भी प्रत्येक तरह की पढ़ाई करवाई जाएगी व छात्र छात्राओं को बढ़िया पढ़ाने का माहौल भी दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी में आने के लिए बहुत और नया ये नई जो आपने ये किया है, तो ये बताएंगे कि ये कौन सा ग्रुप है? ये पेंटा ग्रुप है। पेंटा ग्रुप विश्व के अग्रणी टैब मैन्युफैक्चरर्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं। मीडिया का ये बड़ा ग्रुप है। हम 4 न्यूज़ चैनल संचालित करते हैं, जिसमें News24 भी है। हम इसके अलावा विश्व के 47 देशों में अलग अलग तरह के काम करते हैं, जिसमें सोशल वर्क भी है, जिसमें IT का काम है, जिसमें जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर हम लोग टैब्स और स्मार्टफोन्स का काम करते हैं। उसके अलावा हमारे कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। शायद ही ऐसा कोई विषय हो जो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद ना हो। 4 विश्वविद्यालय अभी इस ग्रुप द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसके अलावा एविएशन के कॉलेजेस भी हैं। तो ये ग्रुप बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कार्यरत है। सर, हिमाचल में कितने आपके और यूनिवर्सिटीज हैं? मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये ग्रुप इस समय APG शिमला यूनिवर्सिटी और अर्नी यूनिवर्सिटी, इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है, इन दोनों को फाइनेंशियल संचालन में मदद कर रहा है। सर, ये अर्नी यूनिवर्सिटी का पिछला रिकॉर्ड काफ़ी बुरा था, तो इसके प्रति आप क्या कोई नया कुछ करना चाहेंगे इसके लिए कुछ? देखिए, एजुकेशन से जुड़े किसी भी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में बेस एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले इसके बेस को, इसके फाउंडेशन को मजबूत किया जाएगा। ये पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो फिर वही डिबेट हो जाएगा कि 70 साल में देश में क्या हुआ और पिछले 6 साल में मोदी सरकार में क्या हुआ या 5 साल में क्या हुआ। उस डिबेट में हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। जिन्होंने यहाँ पे पहले काम किया, उन्होंने अच्छा काम किया, उस काम को और बेहतर लेके जाना है, उस काम को और बेहतर तरीके से करना है, मेरी ये मंशा है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।